हेलो गाइस, मेरा नाम है सौदीप मंडल और एक बार फिर से वेलकम करता हूँ नॉस्टैल्जिक स्टोरीज में। आज की कहानी आपके लिए बस आर्थर कॉनन डॉयल द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। आज की स्टोरी में मेरे साथ देने वाले हैं रोनित सिंह, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, और मैं रहूंगा एज शर्लॉक होम्स। सो विदाउट टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज की कहानी द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स पार्ट वन। सुबह उठ के नाश्ता बनाना मेरी आदत बन चुकी है, और शर्लॉक वो तो देर से ही उठता है, लेकिन आज वो मेरे सामने बैठा है इतने जल्दी। फायरप्लेस के सामने एक छड़ी रखी हुई है, काफी मजबूत लगता है। ऊपर का हिस्सा गोल सा है, किसी का नाम जिसे उस पर स्पेशली ड्राफ्ट करके लिखा है। लिखा है सर जे जे मोर्टिमर फ्रॉम सीसी एंड फ्रेंड्स। जब मैं छड़ी को ध्यान से देख रहा था तभी दूसरी ओर से एक आवाज आई। शर्लॉक ने कहा, तो गुड मॉर्निंग डॉक्टर वॉटसन, मुझे एक सवाल था। इतने दिन जो तुम मेरे साथ बिताए हो, मुझे उसका कुछ तो एक फल दिखना है। सो कैन यू प्लीज मुझे वो छड़ी के बारे में कुछ बताओ वॉटसन। एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर कि इतने दिन डिटेक्टिव के साथ रहते हुए यू मस्ट हैव गेन्ड सम स्किल्स टू। सो कम ऑन डॉक्टर वॉटसन, बताओ मुझे तुम्हें क्या दिख रहा है। ओके, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके, लेट्स सी। वेल, ये छड़ी उनको किसी स्पेसिफिक ग्रुप से गिफ्ट मिला है। और ये तुम किस दावे पे कह सकते हो? क्योंकि वो छड़ी पे ऑलरेडी मेंशनड है, कांट यू सी फ्रॉम सीसी एंड फ्रेंड्स। वो एक डॉक्टर है, क्योंकि ऐसी छड़ी सिर्फ डॉक्टर के पास ही हो सकता है। इंप्रेसिव। वेल, और अगर मैं ये कहूँ कि उसके पास एक कुत्ता भी है तो? कुत्ता? और फ्रिकिंग डॉग? कम ऑन, ये तो ज्यादा ही हो गया। वॉटसन, वॉटसन मेरी बात को समझो, तुमने ऑब्जर्व किया ही नहीं ध्यान से। नीचे देखो, छड़ी के बाजू में जरूर एक कोई कैनिन क्रिएचर का दांत के दाग है, और उसका दांत को तो देखकर लग रहा है ये किसी, लेट मी गेस, स्पैनियल ब्रीड से बिलोंग करता है। हम दोनों जब यही बात को लेकर बिजी हो रहे तभी एक मिड 40s उम्र के आदमी मेरे सामने आ पहुंचे। हेलो जेंटलमैन, क्या आप ही डॉक्टर जॉन वॉटसन हैं? इफ देन इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर। यस, आई एम जॉन वॉटसन, नाइस टू मीट यू। नहीं, आप दोनों का बहस हो रहा था, मुझे नीचे से आवाज आया, इसलिए क्या मैं बाद में आऊं? कुछ नहीं, हम आपके छड़ी के बारे में थोड़ा सा डिडक्शन कर रहे थे। and you must be Sherlock Holmes, right? जी, पहले आप एक सीट ले लीजिए सर। and yes, it would be better अगर आपने मुझे सिर्फ होम्स बुला दो। ओके, सो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के बताइए। मैन्युस्क्रिप्ट? आपको कैसे पता चला? हाँ, मैंने भी देखा, आपके जेब में ही था। क्या बताऊँ मिस्टर होम्स, आजकल ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। हाँ, ये मैन्युस्क्रिप्ट बास्करविल्स परिवार से बिलोंग करता है। यह आज का पेपर नहीं, ये मैन्युस्क्रिप्ट कई सदियों पहले लिखी गई थी। कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक श्राप के बारे में बताया गया है। अगर मुझे आप इजाजत दे तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। डॉक्टर मोर्टिमर वो पर्ची को पढ़ने लगे। डॉक्टर चार्ल्स मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे, उन्होंने ही ये मैन्युस्क्रिप्ट मुझे दिया था। ये मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग करता है साल 1730 के ही आसपास से। डेविनशायर में बास्करविल्स परिवार ही अभी इनके आधिकारिक है। और जहाँ तक ये मैन्युस्क्रिप्ट शुरू होता है,
कुछ ऐसे, उनके चले जाने के कुछ दिन कह सकते एक महीनों से वो एक परेशानी से उलझ रहे थे। जैसे उन्हें मालूम था कि ये दिन एक दिन ये आने ही वाला है। उन्हें ये श्राप के बारे में मालूम था। वो परछाइयों से भी बहुत डरते थे। जैसे एक दिन जैसे मैं उनके हॉल में जब खड़े होकर उनसे बात कर रहा था, तभी अचानक से वो डर के उधर ही खड़े हो गए। वो हिल नहीं रहे थे, लेकिन जब मैंने पीछे घूमकर देखा तो वहाँ पे एक बकरे का बच्चा था। एक परछाई अगर उन्हें इतना डर दे सकती है, तो आप सोच ही सकते हो कि उस रात उनके साथ उनके ऊपर से क्या बीती होगी। बास्करविल्स परिवार के ऊपर लगी ये श्राप को लेकर बहुत से ओपिनियंस हैं और बहुत से किस्से हैं। इसके ऊपर बहस भी हो चुकी है। ये जो कहानी मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ, ये हमने हमारे पिताजी के मुंह से सुना था। हम स्वयं ह्यूगो बास्करविल्स के वंशधर हैं। ये कहानी कितनी सच है, ये तो हमें खुद भी नहीं पता। अपने अतीत से डरने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुख और शांति से जीने के लिए ही मैं ये मैन्युस्क्रिप्ट और ये कहानी आपको सौंपता हूँ। हमने बहुत से अपनों को खोए हैं। बास्करविल्स परिवार में बहुत खून बह चुका है, लेकिन अब और नहीं। एक जमाना था जब बास्करविल्स में ह्यूगो बास्करविल्स नाम का एक शख्सियत का बहुत हुक्म चला करता था। हमारे पूर्वज किसी हीरे से कम नहीं थे। जैसे शासन करते थे, वैसे ही अत्याचारी भी थे। और इसी तौर से ह्यूगो को अचानक से ही एक किसान के बेटी के ऊपर दिल आ जाता है। किसान के बेटी को शादी करने का प्रस्ताव तक सामने रखी जाती है, लेकिन लड़की के पिताजी और वो दोनों ही ठुकरा देते हैं। लेकिन ह्यूगो को ये अपमान सहा नहीं गया। एक दिन हुआ ऐसा, जब लड़की के घर से उसके पिताजी और उसके भाई दोनों खेत गए, ह्यूगो अपने दोस्तों को लेकर वो लड़की को अपहरण करके अपने घर ले आया। उसका घर था एक बड़ा महल सा। ऊपर लड़की को बंद करके रखा गया और नीचे ह्यूगो अपने सारे दोस्तों को लेकर महफिल में बैठ गया। लाचार बैठी हुई उस लड़की को आखिर में एक रास्ता दिखाती है, एक आईवी ट्री। वो लड़की उस आईवी ट्री को पकड़कर नीचे उतरकर भाग जाती है। ह्यूगो का दोस्त जब उसके लिए खाना लेकर ऊपर आता है और देखता है कि लड़की भाग चुकी है, तब ह्यूगो का गुस्सा आसमान छू जाता है। लड़की तब तक बहुत दूर पहुंच चुकी है, लेकिन ह्यूगो अपने दोस्तों को लेकर बहुत गुस्सा है। वो लड़की भागी कैसे उसकी इजाजत के बगैर? नहीं, ह्यूगो ऐसा नहीं होने देगा। ह्यूगो लेकर आता है अपने साथ बास्करविल्स परिवार के सबसे खतरनाक कुत्तों के झुंड को, द हाउंड। इसी हाउंड को वो लड़की के रखे एक नैपकिन के मदद से छोड़ दिया जाता है। सारे कुत्ते दौड़कर गांव की तरफ चले जाते हैं। ह्यूगो और उसके दोस्त घुड़सवार होकर उनका पीछा करते हैं। पीछा करते करते एक पल ऐसा आता है कि सारे कुत्ते गायब हो गए। जंगल में कई दूर कुत्तों की आवाज सुनाई देते हैं। ह्यूगो और उसके दोस्त लोग जब जंगल की ओर बढ़ते हैं, तब देखते हैं कि कुछ लोग उनकी तरफ भाग कर आ रहे हैं। जब उसके दोस्त लोग उनको रुक कर पूछते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, तब गांव वाले पागल से चिल्लाकर कहते हैं, शैतान का कुत्ता आ चुका है, द डेविल हाउंड इज बैक। ह्यूगो नशे में धुत तभी कुछ ना समझा। वो अपने घोड़ों को लगाम देकर दौड़ कर गया जंगल की ओर।
उसके दोस्त लोग पीछे रह गए थे। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगे, ह्यूगो कहीं नहीं मिल रहा। जंगल की ओर जाते हुए दो जन कुछ आवाज सुनने लगे। उसमें से एक घुड़सवार नीचे उतरा, धीमी पैर आगे जाके देखा और तो उसने देखा नीचे लेटा है ह्यूगो बास्करविल्स। ओह माय गॉड, उसके बाजू में वो लड़की जिसका गले से बहुत खून बह रहा है। ह्यूगो बास्करविल्स के ऊपर तब भी वो क्या चीज था? एक बहुत ही बड़ा कुत्ता, एक बहुत बड़ा हाउंड उसके गले के खून को पीते जा रहा था। उसके आजू बाजू में बैठे सारे कुत्ते चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर ह्यूगो का वो दोस्त पागल हो जाते हैं। घोड़े पागल होकर दौड़ने लगते हैं वापस। सारे दोस्त जब वापस आते हैं तब तो ये भी पता चलता है कि जो नीचे उतरा था वो खुद भी मर चुका है, लेकिन कुत्ते से नहीं, डर के मारे। आखिर में बात तो वो भी नहीं है, ये श्राप का प्रभाव आज भी हमारे परिवार के ऊपर गिरा है। ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने आम मौत देखा है, किसी ना किसी तरीके से ही सबने अचानक से ही अपने मौत को गले लगा लिया। किसी को पता भी नहीं चला कि कब कौन कहां चले जाएगा। इसीलिए मैंने आने वाले पीढ़ियों को मुझे यही बताना था कि शाम होने के बाद कोई भी खेती के बाजू के वो रास्ते पे नहीं जाएगा, भले ही जिंदगी में कितना भी अड़चन आ जाए, फिर भी कोई नहीं जाएगा। तो ये था मैन्युस्क्रिप्ट का मेन उद्देश्य। सो मिस्टर होम्स, इंटरेस्टिंग? हाँ, इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन मेरा यहाँ आना तो कुछ और वजह से है मिस्टर होम्स। देखिए, अखबार में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। अखबार में ये लिखा है कि रात को जब चार्ल्स बास्करविल्स अपने घर पे वो खेती के बाजू वाले रास्ते पे खड़े थे अकेले और सिगरेट पीते हुए वहाँ पे थोड़ी देर टहल रहे थे कि अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर के मर जाते हैं। काफ़ी रहस्यमय है। बट द थिंग इज एज यू सी, ये अखबार में एक चीज नहीं लिखी है मिस्टर होम्स। आपको मुझे कुछ बताना है। असलियत तो ये है कि मैंने किसी को अभी तक इस बारे में नहीं बताया था। जिस रात डॉक्टर चार्ल्स का मौत हो चुका था, अगले दिन मैं जब सुबह उनका बॉडी पुलिस के हवाले कर रहा था, तब मैं विश्वास नहीं होता मैं एक डॉक्टर हूँ कि अभी ऐसे चीज़ों पे विश्वास करने लगा। बट मिस्टर होम्स, उनके लाश के थोड़ी ही दूरी पर एक हाउंड का फुटप्रिंट्स था। मैं पागल नहीं हूं, मैंने अपने आंखों से देखा, वहां पे एक हाउंड का फुटप्रिंट्स था। इतनी देर तक आप सुन रहे थे नॉस्टैल्जी स्टोरी की तरफ से द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स पार्ट 1। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स एपिसोड 2 जल्दी लौट रहा है आपके लिए।